प्रभु श्री राम के भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और लक्ष्मण भैया शेषनाग के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के अन्य दो भाई भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? आइए जानते हैं आज इस बारे में। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम, उनके परिवार एवं उनसे जुड़े हर एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। रामायण से जुड़े हर एक पात्र में कोई न कोई दिव्यता छुपी हुई है। ऐसी ही दिव्यता है श्री राम के भाइयों में। यह तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। वहीं यह भी सबको पता है कि लक्ष्मण भैया शेषनाग के अवतार थे। लेकिन भरत और शत्रुघ्न के अवतार के बारे में जानकारी शायद ही किसी को हो। आइए जानते हैं कि आखिरकार भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने के बाद, जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ वन में निवास करने लगे, तब राजकुमार भरत को इस बात का पता लगने पर वह अपने भाई को पुनः अयोध्या ले जाने पहुँचे। हालांकि श्री राम ने माता की आज्ञा और पिता के वचन को सर्वोपरि मानते हुए अयोध्या लौटने से मना कर दिया था, तब श्री राम की अनुपस्थिति में भरत जी ने ही सारा राज्य संभाला था। मान्यता है कि यह श्री राम की लीला थी। उन्होंने भरत को जानबूझकर अयोध्या लौटने के लिए कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि भरत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माने जाते हैं और अयोध्या की रक्षा के लिए उनसे उपयुक्त कोई और न था। वहीं शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में मौजूद शंख का अवतार थे। चारों भाइयों में शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। रामायण के अनुसार भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और उनके शंख ने अयोध्या को 14 वर्ष तक हर प्रकार के संकटों से बचाए रखा था और श्री राम के राज्य की पूर्ण निष्ठा से सेवा और रक्षा की थी। तो इनके अवतार थे भरत और शत्रुघ्न।